हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के चैनल में। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हैबिट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Realme C11 2021 मॉडल में आप ऐप लॉक या फिर ऐप हाइड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप हाइड का मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को Realme में ऐप लॉक कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। Realme C11 2021 मॉडल में आप ऐप लॉक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐप हाइड कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ मेरा ऐप हाइड कहाँ है और इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, यहाँ पे आपको चैनल में मिल जाएगा। और वीडियो को ख़त्म होते हुए भी यहाँ पे एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग्स में जाता हूँ मैं, यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे कि आप ऐप लॉक कर सकें या फिर आप ऐप को हाइड कर सकें। यहाँ पर प्राइवेसी में देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेसी में कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी में भी चले जाते हैं तो यहाँ पे सिस्टम स्क्रीन लॉक लिखा हुआ है, स्क्रीन लॉक ऑप्शन है और यहाँ पे फेस अनलॉक है और यहाँ पे स्मार्ट लॉक है, मतलब कि यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन नहीं है और ऐप हाइड का भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं कट करता हूँ, एकदम हटा देता हूँ इसको पूरा, और यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप ऐप हाइड कर सकें या फिर ऐप लॉक कर सकें। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐप को लॉक कैसे करते हैं Realme C11 2021 मॉडल में। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक ही यही ऑप्शन है कि आपको कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है ऐप लॉक प्रो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप लॉक प्रो। यहाँ पे जो आपको फर्स्ट नंबर पे जो एप्लीकेशन मिलेगा ऐप लॉक प्रो, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। इसका रेटिंग 4.3 का रेटिंग है और यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है, कैसे आप ऐप लॉक कर सकते हैं, ऐप लॉक का कौन कौन सा ऑप्शन इसमें है। यहाँ पर दोस्तों मेरा ये जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रहा है मेरे फ़ोन में। यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद से इसको मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है, मैं ओपन करता हूँ इस एप्लीकेशन को, यहीं से आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपके पास Realme का C11 2021 या फिर कोई भी कंपनी का फ़ोन है, किसी भी कंपनी का फ़ोन है दोस्तों, अगर उसमें लॉक का ऑप्शन नहीं है या फिर ऐप हाइड का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऐप हाइड के बारे में पहले से ही बता चुका हूँ। यहाँ पर लॉक का ऑप्शन अगर आपके में नहीं है तो Realme C11 में भी ऐसे ही करना है और Realme को छोड़ के किसी भी कंपनी का फ़ोन है उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। इसी वीडियो में बता देता हूँ, यहाँ पर Realme C11 2021 वाले इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपके फ़ोन में लॉक लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 6 डिजिट का पिन, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 4 डिजिट पिन भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे आप पैटर्न भी लगा सकते हैं और यहाँ पर नॉक कोड, ये नॉक कोड क्या है दोस्तों, इसका मैं यूज अभी तक नहीं किया हूँ, आप इसका यूज कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा ये क्या है, नॉक कोड कौन सा लॉक है। यहाँ पे मैं 4 डिजिट और 6 डिजिट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं 4 डिजिट पर क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो पिन डालता हूँ दोस्तों 4321 डाल देता हूँ। यहाँ पर 4321 डाल दिया और क्रिएट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट वाले ऑप्शन पर मैं जैसे ही क्लिक किया, फिर से आपको वही पिन को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं फिर डाल देता हूँ वही वाला पिन दोबारा से और उसके बाद से नीचे सेव पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको परमिशन देना होगा, इन दोनों को आपको परमिशन देना होगा, यहाँ पे परमिट, यहाँ पे भी परमिट, दोनों परमिट पे आपको क्लिक करना है। पहले एक परमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर इसका परमिशन दे देना है। तो मैं यहाँ पर परमिशन दे देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका नेट कनेक्शन भी ऑन होगा तो उसको आप बंद कर लीजिएगा, तब भी एप्लीकेशन काम करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेक्ट लॉन्च्ड ऐप, इसको भी परमिट दे देना, मतलब कि परमिशन दे देना है, इसको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे ऐप लॉक प्रो को परमिशन दे देना है और फिर बैक आ जाना है। यहाँ पर अगर आप फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पिन मांगेगा, फिर से आपको पिन डालना है, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर, यहाँ पे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन शायद आपको कहीं मिलेगा, जिससे कि आप इन क्वेश्चन का सवालों का जवाब दे करके अपने लॉक को वापस पा सकते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर प्राइमरी स्कूल टीचर, यहाँ पर स्कूल टीचर का मतलब कि प्राइमरी स्कूल टीचर का नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, यहाँ पर कुछ भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, आप सही डालिएगा क्योंकि वो सिक्योरिटी क्वेश्चन केवल आप ही को मालूम होगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेव पे मैं क्लिक कर दूंगा।
और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक क्रिटिकल ऐप, अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ एप्लीकेशन है जो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्किप, यहाँ पे स्किप पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो बिना ताले का है, मतलब कि ये जो बिना ताले को आपको दिख रहा है ना, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा यहाँ से, मतलब गायब हो रहा है। ये अनलॉक लिस्ट है, यहाँ पर लॉक लिस्ट, आपका कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉक हो चुका है, जो कि वो डिटेक्ट किया है कि आपका इसमें पर्सनल डाटा है, इसलिए वो लॉक कर दिया है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर लॉक करके रखा है ऑटोमेटिक। अगर आपको ये लॉक नहीं चाहिए, मतलब फेसबुक में ये लॉक नहीं चाहिए मुझे, मैं हटा दिया, पेटीएम में नहीं चाहिए हटा दिया, फ़ोन पे नहीं चाहिए नहीं हटा दिया, यहाँ पे जो चाहिए उसको आप रखिए, यहाँ पे जो नहीं चाहिए उसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे ये मैं हटाता गया, और मैं यहाँ पे दोस्तों केवल व्हाट्सएप में रहने देता हूँ लॉक, और आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऐप लॉक हो चुका है, और यहाँ पे अनलॉक ऑप्शन में देखिए दोस्तों, अनलॉक ऑप्शन में इतना ऐप है जो कि अनलॉक है, और लॉक में देखिए यहाँ पे लॉक में इतना एप्लीकेशन है जो लॉक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं व्हाट्सएप ओपन करके दिखाऊंगा अभी, यहाँ पे उससे पहले मैं थीम्स में आ जाता हूँ, और थीम्स में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड थीम है दोस्तों, और स्टैंडर्ड थीम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे दोस्तों 51 थीम यहाँ पे मिल रहे हैं, जिनको आप इधर से यूज कर सकते हैं। ये आपका थीम है, ये पैटर्न थीम है, ये नॉक्ड, ये दोस्तों ये पता नहीं कौन सा लॉक है, नॉक कोड, ये कोई लॉक है, ये पता नहीं कौन सा लॉक है दोस्तों, इसके लिए भी अलग थीम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो पिन वाला थीम है ये है, अगर इस पर मैं सिम मोड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे थीम मिल जाएंगे। अब बैक आता हूँ, इनमें से आप कोई लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको डार्क थीम चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे डार्क थीम पिन के लिए भी आपको मिल जाएगा, इसके लिए आपको नेट कनेक्शन को देना पड़ेगा एक बार डाउनलोड करने के लिए, उसके बाद से ये आपके में काम करने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डार्क वाले को ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे डार्क थीम एक मैं लगा लेता हूँ, जैसे ये फूल वाला जो है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों वॉच एड टू डाउनलोड, मतलब कि आपको यहाँ पे थीम प्रीव्यू पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे थीम प्रीव्यू नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वॉच एड टू डाउनलोड, मतलब कि एक आपको ऐड देखना पड़ेगा, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, मतलब कि ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके थीम में अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका लॉक है किसी व्हाट्सएप, अगर लॉक है तो उसको आप ओपन करेंगे तो ये थीम लगा हुआ आएगा नीचे में बैकग्राउंड। अब दोस्तों इसके बारे में बता दिया, अब मैं सीधे व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कि उसमें लॉक लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ पे मैं क्लिक किया दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लॉक लगा हुआ है। अब आप अपने लॉक को यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको एक और वीडियो दिख रहा होगा जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि Realme C11 2021 में ऐप को हाइड कैसे करते हैं, उस पर आप क्लिक करिए और वीडियो को देख लीजिए।